सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड टेकर जो मैं तुम्हें फिर से आज रो चुका एक नए वीडियो के साथ। तो इस वाले वीडियो में मैं तीन नए ड्रामे के बारे में बताने वाला हूँ जिनका वेट ना जाने लोग कब से बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से कर रहे थे। अब ये ड्रामा कहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें क्या कितने सारे एपिसोड है और ड्रामा कैसा है, यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना है। और आज की जो लाइक है हमने 300 रखी है, यानी कि 300 रखी है, तो 300 लाइक करनी है। और हमारे चैनल पर पहली दफ़ा है घूमते घूमते, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमेशा नए ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। वो? 누가 날 보호한다고? लिस्ट में जो पहले नंबर पर जिस ड्रामे को मैंने रखा है जिसका नाम है द किंग ऑफ पिग्स, इस ड्रामे की रेटिंग की बात करें तो इसको 8.3 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे में जो आपको टोटल एपिसोड देखने मिलेगा जो कि है 12 और 55 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा है और ये जो ड्रामा है आपको Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जा करके अभी से आप इसको देखना स्टार्ट कर सकते हो। बात करें इस ड्रामे में कहानी की, तो इस ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है दो दोस्तों की जो कि मतलब चाइल्डहुड में दोस्त होते हैं, मतलब फ्रेंड होते हैं स्कूल में, और 20 साल बाद जब दोनों मिलते हैं उसके बाद से दोनों की जो लाइफ होती है अलग अलग होती है। अब एक जो होता है एक डिटेक्टिव होता है, दूसरी तरफ दूसरा जो होता है वो अपने मतलब रिवेंज लेने के लिए क्या सारी चीज़ें करता है और इनके लाइफ में क्या सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। जाकर के आप इस ड्रामे को Amazon प्राइम वीडियो से चेकआउट कर सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। ब्लिस में जो दूसरे नंबर पे ड्रामा था जिसका नाम है साउंड ट्रैक #1, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, यदि आपने देखा होगा उस वीडियो को तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि 27 तारीख को ये ड्रामा आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा। सो गुड न्यूज ये है कि ये ड्रामा अब डिजनी प्लस हॉटस्टार पे प्रीमियर हो रही है, तो इस ड्रामे को भी आप चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस ड्रामे के बारे में तो 8.3 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10 और इस ड्रामे में जो आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि है टोटल 4, यानी कि ये 100 ड्रामा होने वाले, 44 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। अगर बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामे म्यूजिक रोमांस ड्रामा है। अगर बात की जाए इस ड्रामे में कहानी की, तो इस ड्रामे में भी कहानी है दो दोस्तों की जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। अब कुछ कारणों की वजह से दोनों एक साथ एक ही रूम में यानी कि एक ही अपार्टमेंट में रहना स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील होती है, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। तो ड्रामा अब डिजनी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। 그게 은수 마음이라면 우린 평생 친구해야 돼. तीसरा और लास्ट ड्रामा है जिसका नाम है एंजल्स लास्ट मिशन लव। न जाने इसका वेट लोग कब से कर रहा था और पर्सनली मैं भी कर रहा था, तो फाइनली ये जो ड्रामा है अब आ चुका है। अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो 8.5 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इस ड्रामे में आपको टोटल 32 एपिसोड देखने मिलते हैं, लेकिन MX पे आपको इसको टोटल 16 एपिसोड देखने मिलेंगे और इसकी जो रनिंग टाइम होगी लगभग 1 घंटे के अराउंड में रख के प्रेजेंट की गई है। अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा कॉमेडी रोमांस फैंटेसी ड्रामा है और इस ड्रामे में आपको कहानी क्या देखने को मिलने वाला है। इस ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है एक लड़के जिसका नाम होता है लीवन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और कोल्ड हार्टेड होती है। वो एक वैलेडीना होती है लेकिन उसके साथ एक हादसा होता है जिसके वजह से उसके अपना मतलब जो काम होता है वैलेडीना वाला काम छोड़ना पड़ता है। उसके जो माता पिता बचपन में ही मर गए होते हैं, उसकी मुलाकात एक दिन होता है किम दैन जो कि एक एंजल होता है, जो कि मेल एंजल है और उसका काम है लीवन के लिए एक ट्रू लव खोजना। अब आगे क्या सारी चीज़ें होंगी, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। तो ड्रामा MX प्लेयर पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है और अच्छी बात यह है कि पूरा 16 के 16 जो एपिसोड है वो अवेलेबल है, तो जा करके आप इस ड्रामे को चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं इस ड्रामे को देखना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो देख करके जब मैं खत्म करूँगा उसके बाद इसका जो रिव्यू आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली दफा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नए नए ड्रामे यानी कि कोरियन ड्रामा देखना पसंद है और सबसे पहले देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नए ड्रामे से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हजारों के लिए इतना ही, बाय, चैन, टेक केयर।